अब आपके समक्ष आए हैं श्री हर्ष जैन, जो आचार्य भवन के दिशा निर्देशन में निरंतर पिछले 4 माह तक आत्मध्यान साधन करते रहे और मित्रता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इनके माता जी वैभव श्री जी महाराज, इनकी बहन प्रांजलि ने दीक्षा ली हुई है, इनका पूरा परिवार भी यहाँ पर आया हुआ है और इनके धर्म के माता पिता सूरत से भाई रमेश जैन, किरण जैन, मित्रा साधिका, निशा जी, रोहित जैन सभी परिवार अनुमोदन किए। दीक्षा के पावन प्रसंग पर पधारे सभी शुद्धात्माओं को मेरा सादर जय है। आज मेरा परम सौभाग्य का दिन है कि आज मैं जैन भगवती दीक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ और आप सबके मन में जिज्ञासा होगी कि दीक्षा क्या है, दीक्षा क्यों ले रहा हूँ, दीक्षा लेने से क्या होगा। भगवान मेरे को बता रहे थे ये सब दलदल है, जो इस दलदल में फंसता जाएगा वो पूरी जिंदगी में फंसकर के ही खत्म हो जाएगा। आज मैं इस दलदल से निकल करके सिद्धालय की ओर कदम बढ़ा रहा हूँ। मेरा इस शरीर का जन्म सरना मेरा उत्तर प्रदेश में हुआ। मुझे बचपन से ही देव धन गुरु के संस्कार मिले। मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं संत बनूंगा और मेरी माता जी की दीक्षा लेने के बाद मेरी प्यास और ज्यादा बढ़ती गई। मैं अपनी माता जी के श्री चरणों में रह करके 3 साल तक ज्ञान ध्यान सीखा और गुरु की खोज में घूमता रहा। कहा मुझे आत्मबोध प्राप्त हो, भगवान श्री के चरणों में मुझे आत्मबोध प्राप्त हुआ। विद्या साधिका मीसा जी के द्वारा मुझे जो अरिहंत प्रभु की वाणी प्राप्त हुई, मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सकता। हे प्रभु मुझे अंतिम क्षण तक ऋण की वाणी प्राप्त होती रहे। शिवाचार्य भगवान पधारे, मैं वहां गया, पूज्य गुरुदेव श्री सुमिनी महाराज साहब के दर्शन किए, उनके सामने अपनी कुछ जिज्ञासा रखी। उन्होंने समाधान करते हुए कहा आत्म ध्यान से ही आत्म ज्ञान प्राप्त होगा। मैंने श्री चरणों में रहकर के 5 गंभीर सिद्धि किए और आज मैं आपके सामने जैन भगवत दीक्षा लेने जा रहा हूँ। उस 5 गंभीर सिद्धि से मुझे आत्म दृष्टि एवं शुद्ध वितराग धर्म का ज्ञान हुआ। आप सबके मन में प्रश्न होगा क्या है वितराग धर्म। भगवान फरमाते हैं धम्मो मंगलमुखी धर्म तथा पूर्ण कर्मों का क्षय करने के लिए 12 व्रत का स्वीकार करता है। जिस स्थिति का भी मन इस आत्म धर्म में रहता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। आज मेरा परम सौभाग्य का दिन है कि आज मैं उत्तीर्ण धर्म को प्राप्त करने जा रहा हूँ। सार का ज्ञान निस्सार का त्याग है दीक्षा, सार का ग्रहण निस्तार का त्याग है दीक्षा। आप जिसमें सुख मानते हैं मैंने उसे निस्तार समझकर छोड़ दिया है।
उसे कठिन समझते हैं, मैंने उसे सरल समझकर अपनाया है। मैं आत्म सुख का संकल्प करता हूँ कि मुझे आत्म सुख प्रदान करता रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा में छिपे अष्ट गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करूंगा और इसका प्रयोग विधि मुझे गुरुदेव ने आत्म ध्यान में सिखाई। संसार का त्याग है दीक्षा। आत्मा से परमात्मा बनने की साधना है दीक्षा। और आज मैं अपने गुरुजन एवं शिवाचार्य भगवान का हार्दिक अभिनंदन और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आज मुझे इस काबिल उन्होंने समझा और दीक्षा देने की आज्ञा प्रदान की और अपने मुखारविंद से आज मुझे शासन भगवान महावीर स्वामी का संत कहलाने की अनुमति दी। और मैं सर्वप्रथम अपने संसारिक माता पिता श्री प्रदीप एवं माता श्री भगवती जी महाराज बहन श्री प्रांजल जी महाराज आपके प्रति कृतज्ञता हूँ, जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर के अब तक इतनी अच्छी शिक्षाएं दी धर्म के प्रति सब चीज के प्रति। और मैं दिगंबर परिवार में जन्म हुआ, माँ से मेरे को मेरी जो सीढ़ी में माँ से चढ़नी शुरू करी, माँ से मैं पक्का होकर चला गया। आज मैं गुरु चरणों में आकर के आपके सभी हूँ और धर्म के माता पिता श्री रमेश भाई किरण जैन एवं रोहित भाई जिन्होंने मेरा दिशा जगाने के लिए साथ दिया और मेरा अपना आशीर्वाद मुझे दिया। और मैं प्रशांत प्यार श्री संत अशोक प्यार श्री संत का भी हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि जिन्होंने मुझे निर्गुण साधु बनाने की जिम्मेदारी दी, जिन्होंने मुझको निर्गुण साधु बनाने की जिम्मेदारी दी। और अंतिम कह रहा हूँ कि जो मेरे को दान में टिक्के में राशि प्राप्त हुई है वो मैं साधु विकास खंड को दान देता हूँ। महामंत्री सतीश जी जैन आगे आ जाए। चार समिति के महामंत्री राष्ट्रीय महामंत्री सतीश जी जैन, चार समिति के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री अनिल जी जैन आए हैं वो भी आगे आ जाए। चार समिति के कार्याध्यक्ष श्री रविन्द्रनाथ जी जैन आए हुए हैं वो भी आगे आ जाए। देखिए आज प्रातः है जो ब्रेक जो अंतिम बार और इस समय जो राशि को प्राप्त हुई है वो भी दान रूप में दे रहे हैं। मेरा ये हर्ष है अपने सुंदर भाव आपके समक्ष रखे। वैरागी हर्ष जैन के जन्मदाता पिता श्री प्रदीप कुमार जी जैन आगे आ जाएं। जय जय हर्ष हर्ष जय जय। माता पिता का भी बहुत ही उपकार है। धर्म के माता पिता रमेश भाई बोकड़िया और किरण जैन आगे आ जाएं। हर्ष के शादी का निशा जी और धर्म के माता पिता श्री रमेश बोकड़िया जी साथ में आ जाएं। किरण जी उनका स्वागत करेंगे, हमारे उप प्रधान श्री सोनलाल जी। धर्म की माता श्रीमती किरण बोकड़िया जी और सभी जिनसे अच्छी तरह से परिचित है वीतराज सादी का निशा जी वो भी इस परिवार से संबंधित हैं। इस युग के महावीर की सागर और गंभीर की पूजा हो रही है और मेरा वादा ये है कि
जगह ही शिक्षा दे गुरु भगवान सात तारे अरे ग्रस्ती बोलो एक दो तीन चार शिवाचार की जय जयकार अरे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार शिवाचार्य सुपरस्टार जप मारा मारू मन लाग्यो संयम मारू मन लाग्यो संयम Thank you.
आप मोबाइल लगा लीजिए। नमो आयनियानम नमो जायनम नमो लोए नमो अरियंतानम नमो सीतानम नमो आयनियानम नमो शादी प्रांजल जी एक छोटा सा भजन दो कड़ी। माँ बाप से नाता तोड़ा घर आंगन अपना छोड़ा सब रिश्ते नाते तज कर गुरुवर से नाता जोड़ा चले घर से हर्ष त्यागी बन कर संयम के रस्ते पर कैसे सह पाए कोमल नाजुक काया माँ बाप के मन में के एक यही विकल्प समाया तलवार की धार पे चलना है मुनिचरिया में ढलना हर एक कदम पे होगा कठिनाइयों से मिलना चले घर से हर्ष त्यागी बन गए संयम के रास्ते पर माँ बाप से नाता तोड़ा घर आंगन अपना छोड़ा सब रिश्ते नाते तज के गुरुवर से नाता जोड़ा चले घर से हर्ष त्यागी बन कर संयम के रास्ते पर गर्मी सर्दी वर्षा में रहना खुद अपने संयम का करना पालन घर घर में आहार जल लेना जिहा का साथ देना कर अंतराय का पालन तप साधन में रत रहना चले घर से हर्ष त्यागी बन कर संयम के रास्ते पर माँ बाप से नाता तोड़ा घर आंगन अपना छोड़ा सब रिश्ते नाते तज के गुरुवर से नाता जोड़ा चले घर से हर्ष त्यागी बन कर संयम के रास्ते पर संगी साथी होंगे मुखपट्टी का और मुखपट्टी शास्त्रों से जोड़ के नाता अध्ययन करना है पल पल ना हर्ष विवाद हो मन में संभाव रहे जीवन में आनंद
का ध्यान लगाकर रहना है लीन चिंतन में चले घर से हर्ष त्यागी बनकर संयम के रास्ते पर माँ बाप से नाता तोड़ा घर आंगन अपना छोड़ा सब रिश्ते नाते तज कर गुरुवर से नाता जोड़ा चले घर से हर्ष त्यागी बनकर संयम के रास्ते पर। अब हमारे युवा मनीषी श्री शुभम मुनि जी महाराज दीक्षा के ऊपर कुछ शिक्षा और उसके पश्चात आचार्य भगवान बोलिए। शिवाचार्य भगवान की। लग रहा है दो चार लोग रजवाड़ा में बैठे हैं जबकि हजारों की संख्या में पूरा रजवाड़ा भरा हुआ है। बोलिए विरक्त आत्माओं की। विरक्त आत्माओं की। सबके हाथ ऊपर जाने चाहिए। विरक्त आत्माओं की। विरक्त आत्माओं की। भाव दीक्षितों की। अब आया मजा। श्रद्धे आचार्य भगवान के सानिध्य में एक नहीं दो नहीं पांच पांच सामूहिक जैन भागवती दीक्षाएं यहाँ पर संपन्न होने जा रही है। प्रत्येक जैन भागवती दीक्षा पर शिक्षा के रूप में एक छोटा सा भजन सबके सामने रखता हूँ। विशेषकर ये भजन आपके लिए तो प्रेरणादायक है ही है, विशेषकर इन पांच मुमुक्षु आत्माओं के लिए जो मोक्ष के मार्ग पर आज प्रथम चरण रखने जा रहे हैं उन सबके लिए। मुमुक्षु ओ मुमुक्षु 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 तुम सुनते जाना धर्म देशना मुमुक्षु तुम सुनते जाना धर्म देशना आज्ञा धर्म पालन करना गुरुदेव का हो आज्ञा धर्म पालन करना गुरुदेव का हो मुमुक्षु ओ मुमुक्षु मुमुक्षु ओ मुमुक्षु मुमुक्षु तुम सुनते जाना धर्म देशना मुमुक्षु तुम सुनते जाना धर्म देशना आज्ञा धर्म पालन करना गुरुदेव का हो आज्ञा धर्म पालन करना। आज से आप सबके दीक्षा गुरु श्रद्धे आचार्य भगवान है इसीलिए गुरुदेव की क्या शिक्षा है बता रहा हूं। संयम जीवन की असली समीक्षा है संयम जीवन की असली समीक्षा है अनुशासन में रहने की शिक्षा है अनुशासन में रहने की शिक्षा है पाव 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 यतना से ध्यान रखना। पहली समिति क्रिया समिति पाव पाव यतना से ध्यान रखना वितराग मार्ग की लाज रखना ओ मुमुक्षु ओ मुमुक्षु मुमुक्षु ओ मुमुक्षु। श्रद्धेय आचार्य भगवान से जैन भागवती दीक्षा की लिए मुझे भी 14 वर्ष हो गए हैं। क्या मेरा अनुभव है बड़ी अद्भुत है ये अरहति दीक्षा बड़ी अद्भुत है ये जैनेन्द्र दीक्षा पग पग पे लेती है ये मेरी परीक्षा पग पग पे लेती है ये मेरी परीक्षा दृढ़ता दृढ़ता से पालना तुम वीर धर्म को दृढ़ता से पालना तुम वीर धर्म को काट देना काले काले आठ कर्म को ओ मुमुक्षु ओ मुमुक्षु मुमुक्षु ओ मुमुक्षु। पांच समिति तीन गुप्ती की साधना। गौर किया होगा आपने वैरागी भाई हर्ष जैन के
जो स्पीच थी उसके अंदर कि इन्होंने एक नहीं दो नहीं आचार्य भगवान के चरणों में पांच पांच ध्यान शिविर किए, और ध्यान शिविर करने के बाद क्या भाव जगा, पांच समिति तीन गुप्ती की साधना, पांच समिति तीन गुप्ती की साधना, शुद्ध समकित की करना तुम्हारा। वैरागन बहनों, आप सबने शुद्ध सम्यक्त्व निश्चय सम्यक्त्व आचार्य भगवान से प्राप्त किया है। पांच समिति तीन गुप्ती की साधना, शुद्ध समकित की करना तुम आराधना, और क्या करना, भक्ति करना, शक्ति धरना, युक्ति जोड़ना, भक्ति करना, शक्ति धरना, युक्ति जोड़ना, अमर बने जाएगा जीवन मन मोड़ना। ओम मुमुक्षु, ओम मुमुक्षु, मुमुक्षु, ओम मुमुक्षु, मुमुक्षु, तुम सुनते जाना धर्म देशना, मुमुक्षु, तुम सुनते जाना धर्म देशना, आज्ञा धर्म पालन करना गुरुदेव का, ओ आज्ञा धर्म पालन करना गुरुदेव का, ओ आज्ञा धर्म पालन करना गुरुदेव का। बोलिए शिवाचार्य भगवान की। आप सबकी सूचना के लिए केवल एक सूचना, दीक्षा पाठ आरंभ होने वाला है, दीक्षा पाठ आरंभ होने वाला है। ये एक ऐसी मंगलमय वेला है, मेरे जीवन में दीक्षा का बीज पड़ा जैन भागवती दीक्षा देखकर, मेरे जीवन में दीक्षा का बीज पड़ा जैन भागवती दीक्षा देखकर, आज न जाने हजारों बैठे हुए लोगों के जीवन में भी दीक्षा का बीज पड़ सकता है। बस एक श्रद्धा, एक आस्था और एक विश्वास, और पूर्ण मौन, पूर्ण मौन, पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रद्धेय आचार्य भगवान से जो मुमुक्षु आत्मा दीक्षा पाठ ग्रहण करने जा रहे, करे कराए अनुमोदे, हम सभी इन सभी भाव दीक्षितों की अनुमोदना करेंगे। ओम शांति। आचार्य भगवान, अब आप और हम सभी को उद्बोधन देखते हुए दीक्षा का महत्व बताते हुए दीक्षा पाठ की विधि शुरू कराने जा रहे हैं। आप सभी इसी श्रद्धा और भाव से बैठे रहेंगे और अपने भीतर में भाव रखेंगे कि मेरे जीवन में भी ये दूसरा मनोरथ, पहला मनोरथ है मेरा परिग्रह कम हो और मैं वितराग मार्ग में आगे बढ़ूं, दूसरा मनोरथ है कि वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं भी संयम को ग्रहण करूं। आज अपने बीच भीतर में ये बीज डाले तो निश्चित रूप से, इन्होंने किसी भव में ये बीज डाला आज इनको ये फल आ रहा है, आप आज बीज डालें हो सकता है इसी भव में, नहीं तो अगले भव में निश्चित रूप से आप इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। आचार्य भगवंत, आप और हम सभी को जिन वाणी का पान कराते हुए आगे दीक्षा विधि कराएंगे। अरिहंतानां ओम नमो, अरिहंतानां, अरिहंतानां ओम नमो, अरिहंतानां, घबराओ ना दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला, घबराओ ना दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का शरण ले लो, अरिहंतों का शरण ले लो, अरि क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु सिमरण कीला, अरिहंतानां ओम नमः, अरिहंतानां ओम नमः, नमो नमो अरिहंता, नमो नमो अरिहंता। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा इस भरत क्षेत्र पर
हम सभी पर उनकी अनंत कृपा बरस रही है। ऐसे परम पिता परमात्मा अरिहंत देवादिदेव तिन्नानंग तारियानंग जो स्वयं तिर चुके हैं औरों को तार रहे हैं, ऐसे परम कृपालु दयालु क्षमा शांति के मसीहा, उनके चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासन पति भगवान महावीर जिनका धर्म संघ धर्म शासन धर्म तीर्थ ये महावीर का शासन है, जिसमें सभी विद्वान मुनिराज परम विदुषी महासाधिवृंद सभी दिल्ली से आए हुए, दिल्ली नहीं पूरे भारत से आए हुए सभी श्रावक श्राविकाएं, यदि आज आप दीक्षा नहीं भी ले रहे तो आज के दिन ये अपने भीतर एक बीज डालिए कि पांच मुमुक्षु आत्माएं अपना घर माता पिता बहन भाई समाज लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके एक महावीर के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। मेरा जीवन का अवसर कब आएगा, चाहे भले आप दीक्षा ना भी लें परंतु ये भाव ये आपके भीतर के बीज यदि आज आप डालोगे बैठे बैठे ही, कुछ नहीं करना, एक भाव एक विचार एक संकल्प एक श्रद्धा एक प्रतीति एक आस्था एक प्यास एक संकल्प को जन्म दो कि प्रभु मेरा भी अवसर आएगा, मैं भी संसार के सभी आरंभ श्रम का त्याग करके इस पांच मुमुक्षु आत्माओं की तरह मैं बनूंगा, तो निश्चित निश्चित ये आपकी प्रार्थना फलीभूत होगी। ये आप आए हैं, बहुत मंगल का कार्यक्रम है, जो दीक्षा लेता है दीक्षा देता है दीक्षा की अनुमोदना करता है और दीक्षा के नहीं ले प्रेरणा देता है। इतिहास हमारे समक्ष है, कृष्ण वसुदेव कृष्ण दीक्षा नहीं ले सके परंतु महावीर की वाणी भगवान ऋषिदेव की वाणी सुनकर के कहने लगे, जो भी दीक्षा लेना चाहता है मेरा बेटा मेरी रानियां मंत्री पूरी द्वारका नगरी में अंदर जो भी दीक्षा लेना चाहता है उसका मैं प्रबंध करूंगा, उसकी रक्षा मैं करूंगा और उसको ठाट बाट से दीक्षु दूंगा। उस कृष्ण वसुदेव ने दीक्षा की दलाली कमा करके तीर्थंकर गोत्र का बंद किया और आने वाले तीर्थंकर बनेंगे कृष्ण। कितनी महान उपलब्धि, कृष्ण महाराज दीक्षा नहीं ले सके पर दीक्षा के भाव रखे थे और ये कहा था कि कोई भी दीक्षा लेना चाहता है वो मेरे राज्य से उसका पूरा प्रबंध होगा, ठाट बाट से दीक्षा देगी। तो दीक्षा लेना दीक्षा दिलवाना दीक्षा की प्रेरणा देना ये महान पुण्य अनुबंधी पुण्य का कार्य होता है। ये आप ऐसे नहीं आए, ये आपका पुण्य था जो आप इस बैंक्वेट हॉल में आए हैं। और आप देखिए सौभाग्य देखिए कि लोग आलोचना करते थे कि आचार्य जी आप बैंक्वेट हॉल में क्यों जा रहे हैं, यहाँ शादियां होती हैं यहाँ मांसाहार होता है, यहाँ बैंक्वेट हॉल के मैनेजर ने उनके मालिक ने मेरे पास पत्र आ गया कि पांच मुमुक्षु आत्माएं दीक्षा ले रही हैं, ये शाकाहार रहेगा, आज से मांसाहार निषेध होगा, ये बैंक्वेट हॉल शाकाहार रहेगा। कि धर्म का बल मेरा कुछ नहीं, मुमुक्षु आत्माओं की श्रद्धा का भाव और उन लोगों के प्रति आवाज आती है जो विरोध करते हैं दीक्षा उनका कि क्यों शादी करते हैं, दीक्षा के निमित्त ये बैंक्वेट हॉल शाकाहारी बनता है तो कितना बड़ा पुण्य का काम होता है। मैं साधुवाद देता हूं आरसी जैन को, बैठे हैं आरसी जैन, रामनिवास जैन चले गए बैठे हैं, जो उन्होंने इसमें सहयोग दिया और जो सहयोग देते हैं वो साधुवाद के पात्र हैं। दीक्षा क्या है, आचारांग सूत्र में आता है विना विलोभम, दीक्षा वही ले सकता है जिसका लोभ समाप्त हो गया है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, सब छोड़ करके केवल महावीर का भिक्षु महावीर का मुनि बनता है।
और घर बार त्याग करके भिक्षा के द्वारा अपना जीवन अंगीकार करता है। हमारे बीच डॉक्टर मनु मोदी जी बैठे हैं, मैं इनके जीवन को देखता हूँ, इनका पल पल जीवन साधना से जुड़ा हुआ है, इनका हर कार्य हर श्वास साधना की है। आज वो बैठे ये दीक्षा के महत्व को समझते हैं। दीक्षा केवल वेश परिवर्तन नहीं होता, हमारा हर जीवन हर श्वास जो हम कर्तव्य करते हैं उस कर्तव्य का पालन करें तो हम महावीर के सच्चे उपासक हैं, हम महावीर के श्रावक हैं। बिना विलोभम जिसको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस केवल मुझे आत्मदृष्टि मिल जाए। दीक्षा वही ले सकता है जिसके जीवन में आत्मदृष्टि आती है, और यदि आत्मदृष्टि नहीं है तुम कितने शास्त्र पढ़ लो, कितना तप कर लो, कितने प्रवचन दे दो, कितने विद्वान बन जाओ, दीक्षाएं ले लो, कुछ नहीं होगा। स्वर्ग मिल जाएगा, वापस लौट आओगे। महावीर की साधना का आधार है आत्मदृष्टि। परमंग नानंग तयोरया, पहले है ज्ञान आत्मज्ञान, फिर है आचरण, फिर है क्रिया। आज लोग क्रिया को महत्व देते, मेरी क्रिया ऊंची। भगवान कहते हैं क्रिया में धर्म नहीं है, धर्म आपके भीतर से आता है, धर्म अंतर की प्यास है, धर्म अंतर की सूझबूझ विवेक का परिणाम होता है। जब आपके पास आत्मदृष्टि आती है तो आप स्वयं धर्म पर चलते हैं। महावीर का सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा, द राइट परसेप्शन राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, दीज थ्री आर जल्दन जर्निज्म दैट लीड टू द लिबरेशन ऑफ मैनकाइंड। ये महावीर का साधना का मूल सूत्र है, तत्वा सूत्र, मोक्ष मार्ग का सूत्र, आत्मदृष्टि आत्मज्ञान और आत्म आचरण। क्या है आत्मदृष्टि, क्या है आत्मज्ञान, ये पुस्तकों से नहीं मिलता, ये भाषण से नहीं आता, ये साधु वेश से नहीं आता, ये किसी के उपदेश से नहीं आता, ये आपके भीतर से आपकी प्यास से आता है। संवेग आपके भीतर की रुचि, आपकी रुचि क्या है, आपकी प्यास क्या है, आप चाहते क्या हैं, आप मनोरंजन चाहते हैं या आत्मरंजन चाहते हैं। आज पूरा विश्व मनोरंजन में लगा हुआ है, विज्ञान ने पूरी सुविधा दे दी है, पर सब दुखी हैं, पीड़ित हैं, डिप्रेशन में हैं, परंतु धर्म आपको आत्मरंजन देता है, मनोरंजन नहीं देता। और आत्मरंजन आत्मदृष्टि से आता है। भगवान की वाणी कहती है, अरिहंत परमात्मा की वाणी कहती है, आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं, ब्लिस इज अवर नेचर, पीस इज इनसाइड एंड नॉलेज वी आर। वो कहां से मिलेगा, वो किसी वृक्ष पर नहीं लटकता, वो ऊपर से नहीं आता, वो पोथी पढ़ने से नहीं आता, वो आपके भीतर से आता है, वो ध्यान से आता है, वो ज्ञान से आता है, वो आचरण से आता है, वो अरिहंत परमात्मा की कृपा से आता है। इस चतुर्मास में प्रशांत विहार श्री संघ ने खूब ले सेवा का लाभ लिया, इससे पहले अशोक विहार श्री संघ ने सेवा का लाभ लिया, अरिहंत परमात्मा की वाणी, शासन देवों की कृपा और वीतराग साधी का निशा जी का अथक प्रयास। इस वीतराग साधी का निशा जी ने पूरे भारत में नहीं विश्व में आत्मदृष्टि की और आगे लेकर के गई है। धर्म वेश को महत्व नहीं देता, धर्म परंपराओं को महत्व नहीं देता, धर्म क्रियाकांड को महत्व नहीं देता, धर्म दृष्टि को महत्व देता है। यदि आपकी दृष्टि सम्यक है, आप कुछ भी कर रहे हैं वो धर्म होगा। यदि आपकी दृष्टि सम्यक नहीं है, आप कितना भी तप कर लीजिए, कितना बखान कर दीजिए, पुण्य मिल जाएगा, धर्म नहीं होगा। धर्म क्या है, धर्म है स्वय का स्वय में रम कर लेना, आत्मा का आत्मा में बोध आ जाना, आत्मा की रुचि में प्रवेश कर लेना, ये धर्म है। और इन सभी मुमुक्षु इन्होंने शिवर किए हैं। हर्ष हमारे पास आया, हमने एक ही बात कही, बच्चे तू शिवर करके देख ले, तेरा मन करे तू बंजन मत करना। इनके माताजी ने कहा, बेटे शेर की तरह लेना और शेर की तरह निभाना। मैं उस माँ को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उसकी माँ साधु वैभवश्री जी, जिन्होंने अपनी बेटी को दीक्षित किया और अपने बेटे को भी, उनके पिताजी प्रदीप जी बैठे हैं और उनके धर्म के माता पिता
रमेश भाई, किरण जी, रिक्की और निशा जी और सभी, इन्होंने सेवा का लाभ लिया है। भूपिंदर जी ने और कमल जी ने पायल जी की दीक्षा का लाभ लिया है, और भी सभी माताओं ने। जिनों धर्म के माता पिता बनना बहुत बड़ी बात होती है, मामूली बात नहीं होती। किसी को दीक्षित करना और अपने माता पिता बन करके दीक्षा करवाना, ये एक धर्म का गहरा बीज है, ये आत्मदृष्टि की बात है। भूपिंदर जी कहे मैंने दीक्षा करवानी है, प्रशांत विहार श्री सिंह का मन नहीं था, परंतु फिर भी इनकी भावना से दीक्षा हुई। मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता, मैं समय बहुत कम है, मैं बोलना तो बहुत चाहता था आपकी भावना, परंतु दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बस इस दीक्षा के निमित्त से मैं कहना चाहूँगा कि आत्मदृष्टि से हम इस आत्मदृष्टि को विश्व तक फैलाएं, महावीर की साधना को, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी की साधना को हम विश्व तक फैलाएं। कैसे? इसलिए इंदौर समय